श्रुति और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और आइए विस्तार से खबरों का जायजा लेते हैं। सूरत में कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह को पिछले 23 दिन से मोबाइल एवं व्हाट्सएप के माध्यम से अभद्र किस्म के फोन आ रहे हैं और व्हाट्सएप पर गंदे गंदे पोस्ट भेजे जा रहे हैं, जिसके चलते महेंद्र सिंह लिम्बायत पुलिस स्टेशन आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाए और मांग किए कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके सजा मिले। मीडिया से बात करते कार्यकारी अध्यक्ष महेंद्र सिंह, गंदे गंदे अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं व्हाट्सएप पे, जिसके खिलाफ हम राष्ट्रवादी युवा वाहिनी की पूरी टीम सूरत जिला की यहाँ पर लिम्बायत पुलिस स्टेशन आकर के आवेदन दिए हैं और यहाँ पर FIR दर्ज करवाने की हम प्रयास कर रहे हैं। वाराणसी मिर्जापुरा थाना कछवा बाजार में बिंजापुर ग्राम तूलापुर निवासी कांस्य पदक विजेता रोहित कुमार बिंद ने 17 जुलाई से 22 जुलाई तक हुए ब्रिक गेम्स के वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक दिलाकर भारत तथा अपने गांव का नाम रोशन किया। वे मिर्जा मुराद में भाजपा जिला प्रतिनिधि सुरेंद्र कुमार बिंद से मिलते हुए अपने घर जा रहे थे। उसी समय तिरंगे को हाथ में लेकर लोगों ने रोहित कुमार बिंद का भव्य स्वागत किया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा विराम। विराम के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग लाल चौक में मुठभेड़ के दौरान बंदूकधारी दो आतंकवादी मारे गए। क्षेत्र में शांति का माहौल था और हर जगह जवान तैनात थे, लेकिन मीडिया कर्मियों को उस क्षेत्र का जायजा लेने और वहां जाकर रिपोर्टिंग करने से रोका गया, जिससे कुछ मीडिया कर्मियों में रोष देखने को मिला। पीएम श्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे, तब विविध क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे आने के लिए कला महाकुंभ का आयोजन किए थे, जिसे वर्तमान गुजरात के सीएम श्री विजय रूपाणी ने जारी रखा। इसके अंतर्गत गुजरात के बड़ौदा जिले में कला महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें श्रीमती छाया कोठरी के पुत्र अनिल कुमार कोठरी ने अपने बांसुरी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। ये पहले कक्षा में और अब पूरे जिले में प्रथम स्थान आए। हमारे चैनल की टीम इनकी मेहनत और कला को सलाम करती है। खबरों का सिलसिला ऐसे ही आगे और भी जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।